Hello, change. Turn around. राजीव आठ पर, प्रदीप 39 पर है 20 गेंदों में। कप्तानी पारी खेली है, अच्छी गेंदबाजी भी की थी प्रदीप ने, एक सफलता उनके नाम थी। वेग वेग गोपाल नए गेंदबाज, राजीव फुल टॉस, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, केवल एक रन के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। जी हाँ, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, वो ऑन साइड का एरिया तलाश कर रहे थे कि वो जो गैप है, आप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का फील्डर को देखें तो वाइडिश मिड ऑन और मिड विकेट का जो एरिया है वहां पर गैप है, और डीप स्कोर लेके फील्डर को और मिड विकेट के फील्डर के बीच में वो गैप है, तो ये जो वो एरिया देख रहे थे कि यहाँ उनको बाउंड्री मिले, लेकिन विवेक गोपन ने बहुत अच्छे ठिकाने पर गेंद डाली 83। और पिछला जो ओवर था वो 16 रन देके गया, वो मोमेंटम शिफ्ट करने वाला ओवर था जिसमें तीन अच्छे दर्शनीय चौके आए थे मणिकुट्टन के ओवर में और थोड़ा परेशान किया था। अब केवल 18 रन की महज बढ़त रह गई है, उसको बहुत आसानी से पार कर लेना चाहिए इन दोनों ही बल्लेबाजों को, और विकेट अपने हाथों में सुरक्षित रखेंगे तो फिर जा सकते हैं आप 100 के ऊपर। इस बार अपेश फिर से इनसाइड आउट, गैप में ही गेंद है, पीछे फील्डर है लॉन्ग ऑफ का, जब तक जाएगा गेंद को पकड़ेगा और थ्रो करेगा तब तक 2 रन का मौका था यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। आसानी से रन पूरा करेंगे, कोई समस्या नहीं आई है अब तक किसी भी बल्लेबाज को जिन्होंने बल्लेबाजी करी है, और बैटर को यही चाहिए कि अच्छा बॉल बैट पर आए, अच्छा विकेट रोल हुआ है, और ये दर्शक भी मज़ा लेते हुए केरला स्ट्राइकर्स के सपोर्टर्स खुश हैं, गेम की स्थिति से उनको मतलब नहीं है, गेम की स्थिति पर जाएंगे तो यस ये दृश्य दिखेंगे। अगर गेम की स्थिति को आप परखेंगे 85 पर तो चिंताग्रस्त चेहरे, मालूम है कि बल्लेबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं, गेंदबाजी उतनी अच्छी हो नहीं रही है। ऑफ स्टंप के बाहर से फिर ये गेंद पिक किया, मौका लॉन्ग ऑफ की तरफ चिटक गया, और ये आप करेंगे और ये 4 भी हो गए तो ये केरला ऊपर से नेम चढ़ा, अच्छा नहीं लगेगा आपको अगर आप केरला स्ट्राइकर्स के समर्थक हैं, लेकिन फिलहाल आप मजे लीजिए अगर आप कर्नाटका के समर्थक हैं, इनके समर्थक हैं सुदीप किचा। एक और पार्ली है, पीआरपी बाउंड्री आउट थी, फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा आगे निकले और ताकत झोंक दी थी, लेकिन सीधी फील्डर के पास आसान कैच था, जब मौका मिला तो फिर चौका भी मिला। 8 ओवर चल रहा है, फिर से भरपूर ताकत है, क्या रोक पाएंगे इस बार? जी हाँ, इस बार तो रोक लिया, दूसरा लेना चाहते थे लिया नहीं, जोखिम नहीं लेने जाएंगे क्योंकि अर्धशतक के नजदीक है, मात्र 4 रन दूर है। बिल्कुल गेंद पर नजर बनाए रखी हुई थी और यही वजह रही कि शरीर भी गेंद के पीछे था, तो दे निकलते हुए तो शरीर से गेंद रुक जाती। इस बार राजीव नहीं, इस बार नहीं रुकेगी, इस बार तो पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका आया है, 236वां चौका है ये टूर्नामेंट का। आप अंदाजा लगा सकते कि कितनी पिटाई हुई है गेंदबाजों की, 236वां चौका, और ये संख्या और भी बढ़ने वाली है। 7.5 ओवर पिछली गेंद, ओवर पिच गेंद था, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज का ऑर्थोडॉक्स, उसको अच्छे से पढ़ लिया था, गैप में जड़ा था, हालांकि फील्डर थे वहां, लेकिन स्टंप्स के बिल्कुल नज़दीक से बाहर जाएगा, वाइड बॉल का इशारा। विकेट कीपर को देखिए आप, कितना दूरी थी जहां पर उन्होंने गेंद को गैदर किया था, और दोबारा डालनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कि आप प्रेशर में गेंदबाज है, 2 बाउंड्रीज आ गई हैं, विवेक गोपन उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अंतिम गेंद, ओवर पिच गेंद इस बार, लेकिन लास्ट लाफ वो कहते हैं कि अंतिम हंसी उनके चेहरे पे गई, तो चलिए 8 समाप्त, अब 95/3 कामयाबी मिलती हुई।
एक और झटका लगा लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं बच्चन। विवेक को मिली सफलता 13 रन देते और कप्तान प्रदीप उन्हें समझा रहे हैं कि अभी 2 ओवर खेले हैं यानी 12 गेंदें बाकी है। और बच्चन यहां पर आए उसकी वजह बनी थी एक गेंद, आगे निकल कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद से और दूर हो गए वो बजाय गेंद के नजदीक जाने के। और देखिए गेंद ऑफ स्टंप पे थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, कहीं भी गेंद के आसपास नहीं थे, जिसकी वजह से विवेक को सफलता मिली। राजीव 13 रन बनाकर आउट हुए थे।